Kindly do like, comment and share my videos, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to see the different kind of motivational lectures and training sessions. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Ek ustad kya hai? Ustad naam hai us shakhsiyat ka jo hame bulandi ki taraf leke jata hai, jo hamari tarbiyat karta hai, jo hamari rohani parvarish karta hai, jo hame zindagi sikhata hai, zindagi jeena sikhata hai. Ustad wo hai कि जिसको हमसे कोई लालच नहीं, जिसको कोई गर्ज नहीं कि जब हम किसी कामयाब मुकाम पर पहुंच जाएं तो फिर हम उसके लिए बहुत कुछ कर जाएं. उसको हमसे कोई ऐसा लालच नहीं कि हम जिंदगी में जो पैसा कमाएं उसमें से कुछ पैसा उसके हिस्से में भी आ जाए. वो तो वो शख्सियत है, वो वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जो बगैर किसी मुनाफे के लालच के सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दिन रात एक कर देता है. कुछ दिन पहले मैंने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से मैसेजेस देखे और वो मैसेजेस थे टीचर्स डे की सेलिब्रेशन के. 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. उस दिन सब लोग सोशल मीडिया पर चंद जुमले लिखकर अपना फ़र्ज अदा कर देते हैं कि उन्होंने अपने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश कर दिया. ज़िंदगी में इस मसरूफियत के दौर में उन्होंने पलट कर कभी ख़बर भी नहीं ली कि वो उस्ताद जिसने अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती वक्त में से उसके लिए बहुत सा वक्त निकाला, उसके लिए बहुत से कोशिश की, रातों को जागा, दिन में अपने घर की ज़िंदगी को छोड़कर उसको वक्त दिया, कभी उसके लिए पलट कर नहीं देखा कि वो किस हाल में है. उस्ताद को आपके रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं, आपके उस कामयाबी के मुकाम के पहुंचने के फायदे की जरूरत नहीं कि आप उस मुकाम पर पहुंचे और उससे कोई बेनिफिट्स उसको मिलेंगे. उसको तो आपकी एक मुस्कुराहट की जरूरत है, आपके उन चंद लम्हात की जरूरत है जो आप अपनी जिंदगी में से निकालें और अपने उस्ताद के साथ गुजारें. क्या एक दिन, क्या 5 अक्टूबर आपके ख्याल में काफी है एक उस्ताद के लिए? क्या पूरे साल में से एक दिन में से एक लम्हा निकालकर जो हम चंद सतरें लिख देते हैं सोशल मीडिया पर, क्या इससे हम अपना हक अदा कर देते हैं? हम क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, वो हमारे रूहानी वालदैन हैं और हम उनके स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होने की हैसियत से हम अपने तमाम हकूक रखते हैं कि वो हमारे लिए तो बहुत कुछ कर जाएं, तो क्या फिर हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? क्या कभी हमने इस पर सोचा कि वो अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो जिस तरह से माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत होती है, असातिज़ों को भी उन्हें अपने बच्चों की जरूरत होती है? तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से, अपने इस पैसे की दौड़ में से थोड़ा सा वक्त उस शख्सियत के लिए निकालें कि जिसने आपकी उंगली पकड़कर आपको इस मुकाम तक पहुंचाया. रोजाना अगर हो सके तो जो भी टीचर आपके नजदीक तरीन है उसे चंद लम्हे जरूर दें, और अगर रोजाना नहीं दे सकते तो फिर वीकली उसको टाइम दें. वीकली भी नहीं दे सकते तो कम से कम मंथ में किसी एक टीचर से जरूर मिलें. आपकी इस एफर्ट से किसी की जिंदगी में एनर्जी आएगी, खुशी आएगी, और उस खुशी का शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते. उसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, उसको किसी भी जवाहरात से, हीरों से, दुनिया की किसी मेटीरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनसे आप नहीं खरीद सकते. सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और तवज्जो इन असातिज़ों को चाहिए, इज्जत चाहिए जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन कम होती चली जा रही है. 5 अक्टूबर सिर्फ काफी नहीं है. हर दिन असातिज़ा के एहतराम और उनसे प्यार, ये हमारी अपनी ज़रूरत है और हमारी कामयाबी का राज भी इसी में पिन्हा है. हम लोग जो पीछे रह जाते हैं और जब नाकामियों का सामना करते हैं तो उसमें सिर्फ एक वजह है कि हम उस्ताद के मुकाम को भूल गए हैं. सो उस्ताद का मुकाम पहचाने, उनकी इज्जत करें और उनसे प्यार करें, और सिर्फ 5 अक्टूबर के साथ उनको मंसूब ना कर दें. हमेशा उनका दिल से एहतराम करें और उनसे मिला करें. थैंक यू वेरी मच.